मणिपुर हिंसा को लेकर आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। सोमवार को भी सदन में हुआ जबरदस्त हंगामा। कुछ ही देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी होने जा रही है। मणिपुर हिंसा पर आम आदमी पार्टी करेगी सरकार की घेराबंदी। आज देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मणिपुर में यौन उत्पीड़न संबंधी वीडियो के मामले में 14 और लोगों की पहचान। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। 19 जुलाई को वीडियो आया था सामने। मणिपुर के इम्फॉल में केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह के घर पर अटैक हुआ। महिला रैली के दौरान मंत्री के घर पर पथराव हुआ। हमले के दौरान घर पर मौजूद नहीं थे वो। मणिपुर संकट के बीच म्यांमार से 718 लोगों ने की है घुसपैठ। राज्य सरकार ने असम राइफल से मांगी डिटेल्ड रिपोर्ट। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने घुसपैठ को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अलवर से पाकिस्तान गई अंजू, जल्द लौट आएगी भारत। जी मीडिया से खास बातचीत में अंजू ने बताया, बच्चों के पास मैं लौटना चाहती हूं। आज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच धरती के 5वें ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा चंद्रयान 3। 24 अगस्त चांद की सतह पर कर सकता है लैंडिंग। मीडिया गठबंधन की आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कार्यालय में बैठक। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। मेघालय में तुरा को शीतकालीन राजधानी बनाने की मांग को लेकर बवाल। प्रदर्शनकारियों ने सीएम ऑफिस पर हमला कर दिया। हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल। मेघालय में प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। भूख हड़ताल कर प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। मेघालय में सीएम दफ्तर पर हमले के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सीएम संगमा ने घायल पुलिस जवानों से मुलाकात की। इलाके में बढ़ाई गई है सुरक्षा। राजेंद्र गुढ़ा की बताई लाल डायरी पर गजेंद्र सिंह और शेखावत का बयान। जिस दिन इस लाल डायरी का राज खुलेगा राजस्थान में हंगामा मच जाएगा। राजस्थान विधानसभा में मणिपुर के लिए संकल्प पारित। राज्य में शांति स्थापना के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआईए करेगी जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रहेगा बरकरार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर हमला। कहा मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। बंगाल राजस्थान पर कांग्रेस चुप क्यों है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर निशाना। कहा सरकार मणिपुर पर चर्चा कराने को तैयार नहीं। हमें सरकार से सवाल पूछने का हक है। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। पीएम सदन के अंदर बोलने से क्यों भाग रहे हैं। और नौ की न्यूज में अब सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं बरसात की टॉप 9 खबरें। कर्नाटक में भारी बरसात के कारण बाढ़ का खतरा है। भारी बरसात के चलते उफान पर बह रही छोटी नदियां। कर्नाटक में भारी बरसात के अलर्ट के बीचों बीच स्कूल्स कॉलेजेस बंद। 9 जिलों में आज स्कूल कॉलेजेस बंद करने का फैसला है। हिंदन नदी के पास में गांव में हालात बहुत ही खराब हो रहे हैं। निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने के आसार हैं। बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार है। यमुना का जलस्तर 205.45 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद में कई इलाकों में भारी जल जमाव। लोगों के घर और दुकानों में पानी भर गया है। वाहनों की आवाजाही पर रोक लग रही है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे 16 दिन से बंद। भारी बरसात की वजह से हाईवे को पहुंचा काफी नुकसान। महाराष्ट्र के 8 जिलों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी। ठाणे रायगढ़ रत्नागिरी में एक सप्ताह से बरसात से हाल बेहाल। पहाड़ों में भारी बरसात के कारण डेंजर पार्क तक पहुंचा गंगा का स्तर। आपको बताएं आसपास के तमाम इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ। हरिद्वार में बरसात बन रही मुसीबत। बरसात के बाद दरकने लगी मनसा देवी मंदिर का पहाड़। प्रशासन ने संज्ञान लिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर आज अहम सुनवाई। जमीन विवाद मामले में भी दोनों पक्ष रखेंगे अपनी अपनी दलील। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तैयारी में जुटे हुए हैं मस्जिद कमेटी के वकील। मुस्लिम पक्ष इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट में दाखिल कर सकती है याचिका। यूपी एटीएस की रोहिंग्याओं पर बड़ी कार्रवाई। 6 जिलों से 74 रोहिंग्या मुसलमानों को किया गया गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से फिराक में थी टीम। सीमा हैदर मामले में फर्जी आधार कार्ड बनवाने को लेकर जनसेवा केंद्र संचालक समेत 3 लोग हिरासत में। तीनों से पूछताछ जारी। बड़े फूड चेन पर महंगाई की मार। मैकडॉनल्ड्स के बाद अब सबवे ने टमाटर को मेन्यू से हटाया।
उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, सवारी में शामिल होने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कर्नाटक के उडुपी से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आते इस भाव में बहा एक युवक वॉटरफॉल के सामने खड़ा हुआ था। यूपी के पीलीभीत में सिपाही का रिश्वत मांगते ऑडियो वायरल हो रहा है, पुलिस विभाग मचा हड़कंप, पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। कल कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ, शहीदों को श्रद्धांजलि देने दिल्ली से द्रास पहुंचा 25 महिला बाइकर्स का समूह, 26 जुलाई को विजय दिवस के समारोह में हिस्सा लेंगी। और अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप लाइन अपडेट्स। चंद्रपुर में अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की, एक युवक जख्मी हुआ, पुलिस तलाश कर रही। सोनीपत में दो लोगों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या, दोनों को पकड़कर भीड़ ने पीट पीट कर उतार दिया मौत के घाट। कानपुर में पारिवारिक कलह में पति ने की पत्नी की हत्या, मां को बचाने आई बेटी पर ताज तेजाब फेंका, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। फरुखाबाद में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में हुई फायरिंग, बुजुर्ग की मौत, दो बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बेगूसराय में ग्रामीणों ने एक युवक के हाथ पांव बांध कर बेरहमी से उसको पीट दिया, चेहरे पर पेशाब करने का भी आरोप, युवक का गांव की ही लड़की से चल रहा था प्रेम प्रसंग। कानपुर में तालाब में मिला नाबालिग छात्रा का अर्धनग्न शव, घर से खेत गई थी नाबालिग, जांच कर रही पुलिस की टीम। हापुड़ में पुलिस और चार बदमाशों के बीच में एनकाउंटर, गोली लगने से तीन बदमाश घायल, चारों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कार हथियार समेत लूट का सामान मिला है। हरदोई में खेत में मिला युवक का शव, परिजनों ने गांव के एक शख्स पर लगाया हत्या का आरोप, आरोपी परिवार समेत फरार, खेत में भैंस जाने पर हुआ था विवाद। मुरादाबाद में युवक ने युवती को उतारा मौत के घाट, युवती की कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जहर, पुलिस युवक को जेल भेज चुकी है। और अब आपको दिखाते हैं नौकरी न्यूज में विदेश की सारी अपडेट्स। इराक के बगदाद में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, स्वीडन और डेनमार्क में हुए धार्मिक किताब के अपमान के खिलाफ विरोध किया। स्वीडन में कुरान के अपमान पर यमन में भी बवाल, साना में सड़कों पर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वाला मठ का किया दौरा, दोनों नेताओं ने लोगों से की मुलाकात, कैंडल जलाकर की प्रार्थना। कोर्ट के अवमानना मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी के निर्देश दिए। जर्मनी के बर्लिन में अचानक आया भारी तूफान, मूसलाधार बरसात के साथ तेजी से चल रही हवा, कई जगह पर पेड़ उखड़ गए। ग्रीस के कई जंगलों में लगी भीषण आग, कोफियू द्वीप पर भयावह हो रहे हालात, चारों तरफ फैली जंगल की आग। ग्रीस के जंगलों में धधक रही आग, रोड्स के कई इलाके तक ये आग जा पहुंची है, स्थानीय लोगों को नजर आए हैं आग बुझाते हुए। ग्रीस के रोड्स पर लिखा भयानक आग से तबाही का मंजर, धुएं का गुबार चारों तरफ है, तुर्की ने जारी किया एरियल वीडियो। ग्रीस के एथेंस में भी आग का कहर, आग बुझाने के लिए पोलैंड की फायर ब्रिगेड टीम कर रही है मदद। Zee News.